सर्वथा सौ सुखीता समता सौ समाचरो सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शांति विस्तरो ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो हरि नमो सीता नमो 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 मंगलम नमो हरिहंता नमो सीताराम नमो आयरिया नमो भुवजायानम नमो सबसो जब पाव प्रणासनो मंगलम परमंगो मंगलम नमो हरिहंता नमो सीताराम नमो आयरियाणम नमो नमो लोए सब साहुणेशो पंचन मुखारो सब पाव मंगलानं च सर्वेषि परमंगो मंगलम। सर्वप्रथम गत व्याख्यान आधारित इनामी प्रश्नोत्तरी के लिए सावधान हो जाएं। प्रश्न नंबर एक, कर्मबंध में जो रसबंध है उसके जो चार प्रकार कल व्याख्यान में सुने थे, वो तो चार प्रकार के नाम रसबंध कर्म का जो रसबंध माने पावर शक्ति उसके जो चार प्रकार हैं उसका नाम चारों चार याद है बरोबर कि थोड़ा गड़बड़ लगता है बराबर बोलेंगे और प्रश्न ठीक है सर स्पष्ट हाँ स्पष्ट बद्ध नियचित गड़बड़ कर दिया। तीसरा क्या है तीसरा नी दत्त और चौथा निकाचित थोड़ी गड़बड़ हुई ठीक है दे दो चलो रख दो सामायिक में पास में रख दो इसीलिए बराबर प्रे ना कहा वही उंगली उसी करे। अच्छा ये चार प्रकार के कर्म बंधन जो हुए रसबंध के चार प्रकार उसको समझाने के लिए कल जो उदाहरण लिया गया था वो उदाहरण चारों प्रकार के उदाहरण बोलो कैसी सुई कितनी सुई करीब हाँ सौ जितनी सुई हो उसका समझाओ उसका यानी अगर साथ में उसको अगर बिखरा दे तो इसी को बिखर जाएगी। इसी प्रकार कर्म बंधन स्पष्ट जो होता है वो भी ऐसा होता है एक समय में बंधा दूसरे समय मुले में आया तीसरे समय में अपने आप वो निर्जरा हो जाती है वो किसको होता है स्पष्ट कर्म बंधन केवली बदल वगैरह को होता है। हाँ दूसरा बद्ध हाँ के लिए वो सो जो सुई रहती उसको कच्चे धागे से अगर बांधे फिर उसको छोड़ना होगा तो थोड़ी मेहनत जरा सी ऐसे जो कर्म क्या करने से बिखर जाते हैं क्या करने से वो कर्म बद्ध प्रकार के कर्म मिछा मिलुपराम प्रतिक्रमण उनसे बिखर जाते हैं निजरा हो जाती है। तीसरे निधत्त माने पक्के धागे का नहीं लिया था दूसरा लिया था चिपकाने का किससे फेविकॉल से हाँ फिर उसको अलग करना हो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हो शायद हो जाएगी अलग लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और चौथा प्रकार निकाच माने कर्म में
जो कर्म प्रायश्चित लेने से जाते हैं, आलोचना प्रायश्चित स्वीकारते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, तब वो कर्मों का क्षय होता है। तो वो निकाचित निधत्त प्रकार के कर्म। और चौथे निकाचित कर्म, उसका उदाहरण, उसका उदाहरण सभी सुइयों को क्या करना चाहिए, जलेगी तो नहीं, पिघला करके उसका गठा एकदम बना दो, और फिर उसको उसी प्रकार से अलग करना हो तो नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से जो कर्म किसी प्रकार से तप त्याग प्रायश्चित से भी दूर नहीं होते हैं, जो भुगतने ही पड़ते हैं, ऐसे निकाचित कर्म होते हैं। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3, अपने 2 पूर्व भवों का जाति स्मरण ज्ञान किसको था और वो कहाँ रहते हैं अथवा रहते थे? अपने मन इस जन्म में वो कहाँ रहते हैं? बोलो भावना। शाबाश। चाणस्मा के सेवंती लाल भाई को अपने 2 पूर्व भव याद है। हम उनको 2 बार मिले हैं, चाणस्मा में भी और संकेश्वर में भी मिले हैं। एक भव में क्या थे वो? पटेल के घर में। पटेल के घर में हाँ दूध पीते थे वो। इतना दूसरे भव में वही उनके दोनों भवों का जो गांवों का नाम, अब उंगली सी करो ऐसे नहीं बोलो। दोनों भव में पहले भव में कहाँ थे वो गांव का नाम, और बाद में दूसरे भव में कहाँ उत्पन्न हुए उस गांव का नाम या शहर का नाम? चाणस्मा तो इस जन्म में, इससे पहले जो 2 भव उनको ख्याल में आए तो पहले भव में जो बोलते हैं कितना दूध पीता था वो कौन सा गांव, अथवा थोड़ा छोटा सा सिटी है गुजरात के, दोनों गुजरात की सिटी है इसलिए आप लोगों को बोलो भाई कच्ची गुजराती लोग तो बोलो, दोनों सिटी हैं, छोटे से सिटी हैं। एक तो है वीरमगाम और खूब ही बोल लेता हूँ और पाटन। वीरमगाम में पटेल के रूप में थे और फिर जैन के रूप में पाटन में थे। निकाचित कर्म बंध को समझने के लिए कल इनका उदाहरण दिया गया था। निकाचित करो बंद को समझाने के लिए कल इनका उदाहरण दिया गया था, सैनिक महाराजा का। क्या किया था उन्होंने? गुरु भाव में नहीं, उसी भाव में पूर्व अवस्था में क्या किया था? दूसरा कोई मत बोलो। हाँ हरणी कैसी थी? सगर्भा। हरणी को शिकार किया और ऊपर से खुशी हुए तो निकाचित, वो कर्म निकाचित हो गया, नरक गति का कर्म निकाचित हो गया। और उस कर्म को टालने के लिए, नरक को निवारण करने के लिए भगवान को बहुत बहुत विनती की। भगवान जानते थे कि निकाचित कर्म बिना भोगे छूटने वाला नहीं है, फिर भी उनके आश्वासन के लिए कौन कौन से टोटल 4 उपाय बताए थे। वो चारों 4 किसको याद है? चारों 4 उपाय आने चाहिए। अभी तो बहुत आंगलियां उनकी ऊंची हो गई है। चारों 4 बोलो। काशी दान देने का, काशी का नाम पहले कपिला दासी और फिर आप बीच बीच में से बोले। सबसे पहले तो क्या था? सबसे पहले तो कांस्य पाड़ा मारता था। नाम क्या कसाई का? कसाई का नाम काल, काल सौकरी कसाई। रोज कांस्य पाड़ा मारता था, उसको एक दिन के लिए भी बंद नहीं करवा पाए और भाव से नौकाशी का प्रत्याख्यान भी नहीं कर पाए और आज प्रथम नारकी में है। भावी के प्रथम तीर्थंकर की आत्मा को भी कर्म ने छोड़ा नहीं है, इसीलिए निकाचित कर्म कभी न बन जाए। इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? पाप अगर करना पड़े कोई संसार में बैठे हैं तो पाप करने के बाद भी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए। चलो तो ये कल के व्याख्यान का पुनरावर्तन हुआ, अभी आज के व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं।
बड़े सर्वाहु बलि सज्जाय के अंतर्गत सौ जितने महापुरुष महाशक्तियों के जीवन प्रसंग क्रमश देख रहे हैं। अभी कौन सा चल रहा है, 12वां 13वां 13वां चल रहा है। हाँ, कल हमने किनका दृष्टांत देखा, नंदी सेन मेय जथुली बदो वयर ऋषि नंदी सेन सिंह गिरे कायवन्नो असुको सला पुंडरियो के शिखर। इसमें जो 12वें नंबर पे नंदीशयन शब्द जो आया, वो नंदीशयन नाम के दो महापुरुष हो गए हैं, जिनमें से हमने कल एक महापुरुष का जीवन प्रसंग देखा। किनके बेटे थे वो, सैनिक राजा के बेटे थे, शादी कितनी राजकुमारियों के साथ हो चुके थे, आगे चल करके भगवान महावीर की देशना सुन करके वैराग्य हुआ, शासन देवता ने मना भी किया, अभी भोगावली करने निकाचित बाकी है इसलिए रुक जाओ, लेकिन उनके इतना प्रबल वैराग्य भावना थी तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता है। भावना जब प्रबल होती है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, रोक सकता है। और फिर उन्होंने रिक्शा ले और जब वापिस कर्म उदय में आए, मन चंचल होने लगा, भोग तपस्या की, दो बार आत्महत्या की प्रयास किया, फिर भी शासन देवता ने उसको सफल नहीं होने दिया। आखिर कर्म वशा वो भिक्षा के लिए भूल से जो बंगले हवेली में गए, वो रूप अपनी एक वारांगना का था और उसको चमत्कार दिखाया, और फिर वहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन हर रोज का कितना 10-10 आत्मियों को प्रतिबोध करके भगवान महावीर के पास दीक्षा दिला देते थे, बाद में ही भोजन करना ऐसा संकल्प लिया। करीब करीब 43,000 आपने गणित क्या नहीं किया, रोज का 10-12 साल तक, साल के दिन 360 करीब गिन लो एवरेज, तो भी करीब 43,200 इतना हो जाता है। इतने आदमियों को दीक्षा दिलाई, तो उनका दृष्टांत हमने कल देखा था। और आज दूसरे नंदीशयन महामुनि, उनका दृष्टांत देखें। श्रीपुर नाम का नगर था, कौन सा नगर, श्रीपुर नगर, वहां एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, ब्राह्मण का नाम था सौमील ब्राह्मण, और पत्नी का नाम था सौमिला। कभी कभी ऐसा हो जाता है पति पत्नी के नाम बिल्कुल मिलते जुलते आ जाते हैं, जैसे विजय सेठ, विजया सेठानी, वो प्राचीन नाम है, ऐसे वर्तमान में भी कभी कभी हो जाते हैं। आपको ख्याल है ऐसा ना, वर्तमान में कोई आपके परिचय में हो ऐसा, पति पत्नी दोनों के नाम मिलते जुलते होते हैं, सौमिल ब्राह्मण। अच्छा, सौमिल ब्राह्मण जो शब्द है वो और किसी के दृष्टांत में भी आता है, कितनों को याद है, साहब आते हुए तीनों सगी बहन है, तीन उंगली उसी के सगी बहन है, वर्षितव तीनों का वर्षितव चालू है, इसकी मम्मी का भी चार का, तीनों देखो उंगलियां ऊंची है, बाकी किसी को नहीं मालूम। सौमिल ब्राह्मण कौन थे, आरती बहन को भी मालूम नहीं, इधर किसी को मालूम नहीं, इधर बोलिए आप, वो सौमिल ब्राह्मण नहीं, बोलो और नाम क्या, गजस कुमार महामुनि वर के ससुर। अरे बाप रे, इन्होंने सिर पे मिट्टी की पाल बांध करके अंगारे रखे थे, वो उपसर करने वाले सौमी ब्राह्मण, ये दूसरे हैं सौमिल और सौमिला, उनका एक बेटा जिनका नाम था, ये कौन, नंदीशयन आगे चल करके नंदीशयन महामुनि जो बने, वो ब्राह्मण पुत्र थे, पहले नंदीशयन क्षणिक महाराजा के बेटे थे, और ये जो नंदीशयन है वो ब्राह्मण पुत्र हैं। पूर्व के कर्म के उदय के कारण समझो उनका जो शरीर था ना, एकदम बेडोल कदरूपा, जैसे कहते हैं शरीर के सारे अंगोपांग बेडोल, ऐसे कोई दूसरा उदाहरण ख्याल में आ रहा है, कौन, नहीं, समरा दित्य केवली चरित्र में क्या नाम पुरोहित पुत्र का, अग्नि शर्मा पुरोहित पुत्र, सम्राट केवली चरित्र के 9वें भव है, उसमें पहले भव में आता है, अग्नि शर्मा नाम का तापस,
फिर वही आगे चल करके सम्राट नहीं वो तो नहीं बने गुण सेन राजा का जीव साम्राज्य क्यों नहीं बनाए। तो इसी प्रकार इनका भी शरीर पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म के उदय से ऐसा हुआ। ऐसा क्यों होता है? अगले जन्म में कभी कोई किसी का शरीर बेडोल है उसकी हम मजाक मस्करी करते हैं हा? तो फिर हमारा ऐसा कर्म हो जाता है कि दूसरे भाव में हमको वैसा होना पड़ता है। तो शरीर इतना बेडोल था और पाप कर्म कई बार ऐसे उड़े में आते हैं तो ऊपर आउपरी आ जाते हैं। उनकी छोटी उम्र में ही माँ और बाप दोनों चल बसे, अब क्या करे। फिर उसके एक मामा थे, मामा जी, उन्होंने करुणा दया से अपने पास रखा, तो अभी मेरे पास रहे, तेरे से हो सके ऐसा छोटा बड़ा काम करते रहना और खाना पीना रहो इधर। इस प्रकार से अपने मामा के वहां वो छोटा बड़ा हुआ। लेकिन जब जवानी आई गद्दापति सी जिसको बोलते हैं, तो फिर तो जीव को मन चंचल होता है, फिर तो सिंगल में से डबल होने का मन होता है। इतना क्रूर था फिर भी अनादिकाल के ये जीव के वासना के संस्कार हैं, इसीलिए देखता है दूसरों की शादी हो रही है और अपने उम्र हो रही है फिर भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, उसके मन में बड़ी ग्लानी होती है, बड़ा बेचैन होता है, दुखी होता है। यह देख करके उसने मामा जी ने उसको आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर, मेरी सात बेटियां हैं, उसके मामा जी की सात बेटियां, उसमें से किसी लड़की को तुम्हारे से शादी में करवा दूंगा। पहले के जमाने में और आज भी मुसलमान आदि जातियों में ऐसा होता है कि मामा की बेटी को हो तो उसके साथ भी शादी हो जाती है। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन सबसे पहली बेटी जो होगी उसको जब पता चला तो उसको पूछा गया होगा, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन इसके साथ तो मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। क्रमशः फिर दूसरी बेटी को पूछागा, उसने ही ऐसा उत्तर दे दिया, सातों बेटियों ने ऐसा ही जवाब दे दिया, इसके साथ शादी कौन करेगा, छी छी छी। तो आखिर यह जान करके वो बड़ा दुखी हुआ, अरे रे मेरा सब तिरस्कार करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसा जीवन जीना बेकार है, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन आत्महत्या करना का दुखों से छूटने का सम्यक उपाय है क्या? उपाय नहीं है। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे अगले जन्म में इससे ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे कोई बड़ा गुनहगार होता है और कैद में उसको बंद किया जाता है, मान लो कि उसको 10 साल की सजा हुई है, लेकिन अभी 2-3-4 साल हुए नहीं हुए कि वो भाग निकलता है कई बार, तो फिर क्या होता है, जब पुलिस पकड़ती है मान लो, तो उसको ज्यादा सजा होती है, दुगुनी सजा भी हो सकती है, ज्यादा कठिन सजा होती है कि नहीं। तो उसी प्रकार से उस जेल में से तो कभी छूटने के बाद पकड़े जाए या न भी पकड़े जाए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कर्म सत्ता की जेल ऐसी है उसमें से आज तक कोई छूट नहीं पाया है। तो अगले जन्म में हमने जो गलतियां की है उसके कारण से इस जन्म में जो भी तकलीफ हमें आती है उसको समता से भोगे बिना बीच में से अगर जीव आत्महत्या करके छूटने का प्रयास करता है तो कर्म सत्ता अगले जन्म में उसको इससे कई गुना ज्यादा उसको सजा देती है। इसलिए आत्महत्या करना ये कतई उपाय नहीं है दुखों से छूटने के लिए। शास्त्रकारों ने केवल अपवाद के रूप में एक बात में ही छूट दी है आत्महत्या की, इसके सिवाय कितने भी दुख आए तो आत्महत्या की इजाजत नहीं दी है। किस चीज के लिए छूट दी है? सुसाइड करने का भी, शील की रक्षा, शील रक्षा अगर दूसरे किसी तरह होना संभव न हो, शील के ऊपर कोई आपत्ति हो तो ऐसे प्रसंगों में आत्महत्या, जैसे किसने की थी, चंदन बाला की माँ, क्या नाम था, मृगावती रानी नहीं, चंदन बाला की माँ, चलो नाम जो धारिणी रानी ने अपनी जीभ कुचल करके जब वो सिपाही ने पकड़ लिया था और वो बोलता था मेरी पत्नी बन जा, तब उन्होंने जीभ अपनी कुचल करके आत्महत्या कर ली। ऐसे प्रसंग में अपवाद के रूप में शास्त्रकारों ने छूट दी है, जो कि शील रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके सिवाय दुख तो चाहे कितने भी दुखों के पहाड़ टूट पड़े तो भी आत्महत्या की इजाजत नहीं दी गई है। अगर फिर भी करेंगे तो अगले जन्म इससे भी ज्यादा कठिनाई या तकलीफ दुख भुगतने पड़ेंगे।
तो ये तो बेचारा ज्ञान था, इसको मालूम ऐसा कुछ नहीं था, जिन वाणी कुछ नहीं होगी, इसलिए वो तो मरने के लिए निकल पड़ता है, घर से भाग गया। और भाग करके कहाँ गया सुना है? जंगल के अंदर एक पर्वत था, पर्वत की टोच पर चढ़ गया। उसने सोचा यहां से जंपा पात नीचे कर लो और आत्महत्या कर लो ताकि इस दुखों से छूट जाऊं। लेकिन किसी जन्म में कोई धर्म भी किया होगा ना, वो धर्म भी अभी उदय में आया, इसका पुण्य उदय में आया, पाप का उदय था इसलिए शरीर ऐसा मिला, और साथ में अभी पुण्य का उदय हुआ। धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो अवसर आने पर धर्म भी हमारा रक्षा हमारी रक्षा करेगा। क्या हुआ उसके पुण्य के उदय से? हाँ, थोड़े ही दूर एक पेड़ के नीचे एक मुनिरा कालोत्सर्ग ध्यान में वहां पर खड़े थे। कैसे कैसे महामुनि होंगे एकांत में, हाँ, पर्वत पर एकांत में पेड़ के नीचे एकदम ध्यानस्थ अवस्था में हैं, और वहां से वो गुजरा होगा, उनकी पेड़ की आहट सुनाई दी होगी। तो उन्होंने आयुष्य पूरा की आंख खोली, देखो उसको सोचा ऐसी जंगल में कौन ये, तो देखा तो बिल्कुल पर्वत की टोच पर पहुंच गया था नीचे गिरने के लिए। तो उन्होंने आवाज लगाई, ये शबूर भाई शबूर, प्रेम से उसको कहा। उसने पीछे मुड़ करके देखा मुनिवर को, उन्होंने इशारा किया, भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो मुनिवर के पास जाता है, क्या भाई क्या विचार है, क्या करने जा रहा है? फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई। तब मुनिवर ने उनको समझाया कि आत्महत्या करना ये दुखों से छूटने का सही उपाय नहीं है, ये सब कर्म का खेल है, तुमने अगले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए ये स्थिति आई है। अब ये कर्म का क्षय करना हो तो उसके लिए तो संयम और तप ये श्रेष्ठ राजमार्ग है, सम्यक उपाय है। तो भगवान अगर आपको उचित लगे तो पहले मुझे संयम दे दीजिए। और इसी प्रकार वो महामुनिवर ने करुणा भाव से प्रेरित होकर के वो नंदी सेन को चारित्र दे दिया, दीक्षा दे दी। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अभिग्रह लिया, कर्म क्षय के लिए एक विशिष्ट अभिग्रह लिया, नियम लिया। सुरेंद्र भाई क्या नियम लिया? कौन बोलेंगे? श्रीकांत भाई नहीं सुना है, नहीं सुना है, मास्कमन के पास में मास्कमन की बात नहीं है, वो था अग्नि शर्मा तापस था ना, उन्होंने ऐसा अभिग्रह किया था सम्राट केवल चरित्र में, अग्नि शर्मा भी तापस बन गया और फिर जिंदगी भर मासक श्रवण के पारने मासक श्रवण करना, लाखों साल की उम्र थी उस जमाने में, और पारने में भी एक ही घर में एक ही बार जाना, पारना हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो तुरंत दूसरा मासक श्रवण चालू कर लेने का, दूसरे किसी घर में भी जाने का नहीं, उसी घर में भी थोड़ी देर के बाद लौट करके आने का नहीं। आप लोग कई बार बोले थे हमारा शायद जरा देखो घर पास में घर के जाके आओ, थोड़ा थोड़ी देर है अभी हमारी हो रही है रोटी, यहाँ पर ये भी बात नहीं थी ऐसी, और लाखों साल तक ऐसी तपस्या की। फिर आगे लंबी कहानी है उनकी। तो इसमें क्या हुआ, क्या संकल्प लिया नंदी शरण इसने महामुनि ने, नहीं किसी को मालूम, हाँ, कि मैं जहां भी होऊंगा जिस भी गांव नगर में, इसमें जो भी बीमार ऐसे साधु वगैरह साधु होंगे उनकी सेवा वैयावच करने के बाद ही मैं हाँ आंबिल करूंगा। छठ के पारने आंबिल का अभिग्रह लिया, जिंदगी भर बेला बेला दो उपवास साथ में करने का, फिर ऊपर आंबिल से पारना आंबिल करने का, फिर दो उपवास फिर आंबिल, हाँ छठ के पारने आंबिल जिंदगी भर आजीवन। तो उन जमाने में भी आयुष बहुत लंबी लंबी होती थी, हजारों साल की आयुष होती थी ऐसा। और आंबिल भी कब करने का, कोई भी बीमार कोई बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें तो अनेक साधु भी हो सकते हैं, तो इनमें जो भी कोई ऐसे बीमार वगैरह हो तो उनकी सेवा वैयावच करने के बाद ही आंबिल करने का, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसा एक विशिष्ट अभिग्रह या संकल्प उन्होंने किया। और वो इतने चढ़ते परिणाम से अच्छे भावों से सेवा करते 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 सैकड़ों साल बीत गए हैं। और इधर इनकी ये जो वैयावच का गुण था उसकी प्रशंसा उसकी अनुमोदना किसने की होगी, किसने की होगी? इंद्र महाराजा ने देवलोक में देव सभा में की। हाँ, कि आजकल इस पृथ्वी पर महामुनि नंदी सेन जैसा वैयावची शायद दूसरा कोई नहीं होगा। क्या उनके चढ़ते परिणाम है, कभी वो थकते नहीं है, कभी उनको खंडारा नहीं आता, उब नहीं जाते हैं,
ये कितनी सेवा करनी, कितनों की सेवा करूं, भूख लगी है कब मेरा पालना होगा, बिना थके या बिना उबहू किए एकदम अच्छे भाव से सभी के सेवा करते हैं, उनके परिणाम को कोई भी चलाए मान अथवा बिगाड़ नहीं सकता है। यह सुन करके हमेशा होता आया है, ऐसा ही हुआ जैसे भगवान महावीर की भी तारीफ की इंद्र महाराजा ने, और वो मिथ्या दृष्टि देव संगम देवता भव्य वो भी परीक्षा करने के आया, कितने भगवान को उपसर्ग किए थे। एक बात समझने जैसी है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा होता है, इंद्र हमेशा सम्यक दृष्टि होते हैं सभी, तो वो कहीं पर भी गुण देखेंगे तो उसकी अनुमोदना किए बिना उनसे रहा नहीं जाएगा, गुणानुवाद गुणानुमोदना करेंगे, करना ही चाहिए, एक विशिष्ट गुण है। थोड़ लो पण गुण पण पर तण सांभड़ी हर्ष मन आन रे, अमृत वेल की सज्जाए में बहुपाद अशोक जी महाराज कहते हैं किसी का थोड़ लो बड़े थोड़ा सा छोटा सा भी गुण देखो तो हर्ष अथवा सुनो किसी का गुण अनुमोदना हृदय में एकदम राजी हो, अनुमोदना करो, प्रशंसा करो अथवा प्रसन्न हो जाओ, और दोष लव पण निज देखता निर्गुण निज आत्मा जावे, अपने में थोड़ा सा भी दोष दिखाइए जब तक क्रोध मान माया लो कुछ भी, तब तक अपनी आत्मा को निर्गुण ही समझो, भले कितने भी गुण हो और कोई तारीफ करे तो उसको रोक दो, भाई मेरी तारीफ मत करो, मेरे में कितने दोष है मैं जानता हूं, मैं प्रशंसा के लिए लायक न हूं। और दूसरे का दूसरे में 99 दोष हो, एक छोटा सा भी गुण देखो तो उसको बड़ा आश्चर्य मानो कि कर्म से अनादिकाल से बंधा हुआ है जीव, इसमें इतना भी गुण विकसित हुआ है तो बड़ी प्रसन्नता मनाओ, तो ही हम भी गुणवान बन सकेंगे, हमारे दोषों का नाश होगा। तो यहाँ पर इंद्र महाराजा सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनसे रहा नहीं जाता है किसी के गुण देख करके उनकी अनुमोदना प्रशंसा किए बिना। तो जैसे ये महामुनि नंदीशरण की ये वैयावच गुण की और इनकी समता प्रसन्नता की अनुमोदना की, एक मिथ्या दृष्टि देव उसके मन में क्या हुआ, मनुष्यों में भी होता है ईर्ष्या होती है, किसी की प्रशंसा होती है तो कभी बार हम सहन नहीं कर पाते हैं और उसकी टीका करने लग जाते हैं, उसके इतने इतने छोटे होंगे तो दोष को इतना बड़ा बना करके बाहर उसके प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम खुद कर्म से बाहरी होते हैं। तो देवता ने सोचा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मनुष्य को चलायमान करना क्या बड़ी बात है, इंद्र भी अक्सर किसी न किसी की प्रशंसा किए जा रहे हैं, अरे हम देवताओं के आगे मनुष्य तो बेचारा कि अन्न का कीड़ा है, उसको चलायमान करना क्या बड़ी बात है, अभी मैं जाकर के चलायमान करके आता हूं और इंद्र को झूठा साबित कर दू, बोलो। ऐसा सोच करके वो मिथ्या दृष्टि देव आता है और इधर नंदीशरण महामुनि केले के पारणे मध्यान्ह समय में आंबिल, उसमें समय में आंबिल खाता तो था नहीं, घरों में से जो लुखा सुखा भात चावल मिल गया, अधिकांश तो चावल और पानी से ही भात पहले के जमाने में होते थे, शुद्ध आंबिल बिना नमक का चावल और चावल का पानी अथवा सादा पानी, ऐसे शुद्ध आंबिल किए या कभी एका दिया है किया किसी ने, वाह धन्यवाद बहुत अच्छा, बहुत सारी उंगलियां ऊंची है, तो फिर वो भी आंबिल किया होगा आपने, कड़ू करिया था और रोटी दो ही चीज, कड़ू करिया था और रोटी और रोटी खाने का बस, दूसरे तीसरी कोई चीज नहीं, ढोकड़ा वोकड़ा कुछ नहीं, हाँ कोशिश करना, हाँ हम तो हर जगह करवाते हैं चतुर्मास में समूह में, एक भात पानी वाला आंबिल और दूसरा करिया था रोटी, वो भी क्या करवाते हैं, रोटी को करिया में भिगो भिगो करके परोसते हैं और फिर इनाम भी रखते हैं उसमें, हाँ एक रोटी का एक मार और करियाता का एक जो छोटी कटोरी होती है उसके दो मार समझो रखते हैं, तो फिर कौन ज्यादा, हम दहेश्वर में थे करीब मेरे ख्याल से एक एक व्यक्ति कितना 40 कटोरी या 40 मार्क को तो मिले थे, बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था सचमुच, 20-20 कटोरी पी जाते हैं ऐसे भी होते हैं, 15-20 रोटियां भी खा जाते हैं। तो ऐसा करने का हमारे एक महात्मा थे उदय रत्न सागर जी महाराज, अभी भी हैं वो, महर्षि सूत्र का 52 का आंबिल का योगोद्वहन में, तो उन्होंने सभी आंबिल करियाता कितना समझो ना, करीब करीब 1.5-2 लीटर जितना करियाता बड़े पात्र में लेते हैं, उसमें 15-17 जो रोटियां उसमें भिगो देते हैं, शुरू से ही आंबिल खाते से ले आते हैं तभी, फिर आकर के पचखाण पारेंगे, गोत्री का आलोचना करेंगे, पचखाण पारेंगे, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, करीब आधा घंटा तो उसी स्थिति में
रहने देते हैं ताकि वो रोटी के अणु परमाणु में वो करिया का गुल मिल जाए। उसके बाद मजे से आमिर ऐश्य करते हैं। ऐसा कभी करके देखना, ऐसे करिया तक पी जाना अलग बात है, और इसी प्रकार से आधा घंटा तक भिगो के रखना और बाद में वो खाना वो, लेकिन सब हो सकता है, कोई असत्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ से सब सक हो जाता है। रसनेन्द्रिय को जीतने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बेले के पार में आमिल करने बैठे हैं, मध्यान गर्मी के दिन थे, कितना घूमने के बाद कहीं से थोड़े से चावल मिल गए, उसके लिए थोड़ा पानी मिल गया, पानी भी कहीं पानी खाता नहीं था, घरों में से ही जो मिले गर्म पानी सूझता वो लेते थे, और जैसे वो हाथ में कंवल लेकर के मध्यान समय में आमिल कर रहे बेले के पार में बैठे हैं, यहाँ पर कंवल आया है, इतने में वो साधु महाराज देवता इंद्र देवता वो साधु का रूप लोग के उपाश्रय में प्रवेश करता है, एकदम जैसे गुस्से में है, हे खाउधरा कठोर शब्द में बोलता है, शर्म नहीं आती है, खाउधरा खाने बैठा है, उधर मुनि बीमार है गांव के बाहर और बैठ गया है खाने के लिए, बड़ी अपनी प्रशंसा करवाता है, वही आवती सेवा भावी, बड़ा सेवा भावी आ गया, देखा देखा तुझे, उन्होंने केवल रख लिया कवल, खाया मुंह में नहीं डाला, तुरंत खड़े हो गए, पधारो पधारो मुनिराज पधारो, एकदम नम्रता से स्वागत किया, वो गालियां दे रहा है कठोर शब्दों में बोल रहा है, और ये नम्रता से आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, पधारो पधारो मुनिराज, वो कहां पर है वो बीमार, मुझे तो पता नहीं चला, तेरी दानत हो सेवा करनी तब पता चले ना, जान भर के वो गुस्सा कराने के लिए एकदम ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द बोलता है। अरे वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बेचारे पड़े हैं, उनको कितना अतिसार हो गया, अतिसार माने क्या बोलते हैं आप, स्लो मोशन हो गया है, जाड़ा हो जाते हैं, तो ओह ऐसा है साफ करना, तो मैं चलता हूं, लेकिन वो साफ करने के लिए पानी चाहिएगा, कितना सब खराब हो गया, कपड़ा वपड़ा शरीर सर खराब हो गया, ठीक है मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ, और ध्यान समय धूप के गर्मी के दिन है, खुले पांव हैं, और वो देवता क्या करता है, अपनी देवता की शक्ति से जहां जाओ पानी लेके जाते हैं ना, वो या तो घड़ा गिर जाता है, डुल जाता है पानी, कुछ न कुछ पानी को अशुद्धता कल्पनीय कर देता है, वो पानी लेने के घड़ा पानी लेने के लिए करीब करीब एक घंटा तक उनको धूप में भटकना पड़ा, फिर मुश्किल से कहीं थोड़ा कुछ पानी मिल गया, जो वो लेकर के आए और जल्दी जल्दी वो उनके साथ बच्चे गांव के बाहर पेड़ के नीचे मुनि पड़े हैं, वो भी मुनि कोई सच्चे नहीं थे, वो भी देव माया थी, तो मुनि बीमार पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, और विष्ठा से पूरा शरीर कपड़े सब खराब हो गए हैं, और इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि हमारा दिमाग फिर जाए, इतनी दुर्गंध आती है, फिर भी ये महामुनि नंदी शेण तनिक भी डुगंछा या जुगुप्सा की ये बिना उनके पास जाते हैं, बड़े आदर पूर्वक धीरे धीरे उसका सब गंदगी हाथों से अपने साफ करते हैं, पानी से उनके कपड़े अपने साथ ले गए थे, एक जोड़ी कपड़ा ज्यादा तो होगा नहीं, वो ले गए थे, मुश्किल से उसका कपड़ा चेंज किया, और पास में कहीं कोई पत्थर होगा वहां पर थोड़ा पानी से साफ किया कपड़ा, हम आते हैं वापिस, तो वापिस कपड़े जो नवे पहनाए थे ना वो भी सब निष्ठा से गंदे हो गए थे, फिर किसी तरह वो भी मुश्किल से साफ किया, किया तीसरी बार, अब तो पानी खलास हो गया क्या करें, और वो चिल्ला रहे हैं, और जैसे वो कपड़ा बदलने जाते हैं ना जान बुझ करके वो चिल्लाते हैं, अरे रे तू मुझे मार देगा ऐसे घर के, वो भी गालियां देते हैं, कठोर शब्द से बोलते हैं उनको एकदम, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते हैं, एक तो मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, आपकी मेरे बेले का पारणा भी नहीं किया अभी तक, और आप मुझे ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं, मरो तुम मैं क्या करूं, हम होंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना भाव, किसकी सेवा करते हैं उपकार करते हैं, और फिर भी वो अगर गालियां देता है कठोर शब्द बोलता है तो फिर छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मन में भी जरा भी उनके प्रति दुर्भाव नहीं किया, सोचिए कितना कठिन बात है, शास्त्रकारों ने कहा है सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य, सेवा धर्म भैया बच्चे वो इतना अगम्य अथवा कठिन है कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी आसान है, ऐसे ध्यान में बैठ जाना उसको भी बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, अहंकार को गौण करके किसी की सेवा करना वो इससे भी कठिन है। और इसीलिए शास्त्रकारों ने वैयावच गुण को अप्रतिपाती गुण कहा है। इस केवल ज्ञान अप्रतिपाती हो, ऐसे वैयावच का गुण जो है उसके संस्कार अगले भव में साथ में चलते हैं। दूसरे कोई गुण होंगे वो अगले भव में साथ में चले या न भी चले, लेकिन वैयावच जो गुण ऐसा उसके संस्कार अगले भव में भी मोक्ष तक जीव के साथ में चलते हैं, ऐसा उनको अप्रतिपाती गुण कहा है। तो इस प्रकार इतने भाव से उन्होंने सेवा की, फिर पानी खलास हो गया तो उन्होंने एकदम नम्रता से कहा, हाथ जोड़ करके, भगवान पानी खलास हो गया, कृपा करके ऐसा करो उपास में पधारो, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूं। हाँ, फिर भी वो बोल रहे, अरे कैसे मैं उपास में आऊं ऐसी स्थिति में, अरे भगवान मैं अपने खंभे पर आपको बिठा करके ले चलता, तो जल्दी करो भाई जो करना हो, बिठाया किसी तरह मुश्किल से खंभे। हाँ, चलते चलते गांव में से जब बाजार में से गुजर रहे हैं तो बीच बाजार में ही वो पूरे कपड़े उनका शरीर विष्ठा से खराब कर दिया, उल्टी और विष्ठा से खराब कर दिया, भयंकर दुर्गंध आती है और सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, फिर भी नहीं ऐसा नाक ऐसा करते हैं, नहीं आंखें बंद करते हैं एकदम उनको। और रास्ते में भी अगर जल्दी उनको पहुंचाए उपाश्रय में सेवा करने के लिए तो फिर वो मुनि चिल्लाते हैं, अरे ऐसे चलेगा तो मुझे मार डालेगा रास्ते में, कहीं तो रास्ते में कोई खड्डा आता है तो जरा ऊंचे नीचे होते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, ऊपर से कोई ठोकते भी हैं, मिट्टी पा खिलाते हैं। हाँ, और फिर वो धीरे धीरे चल, अरे ऐसे धीरे धीरे चलेगा कीड़ी की चींटी की तरह, तो कब पहुंचेगा, फिर रास्ते में मेरी आयु समाप्त हो जाएगी, ज्यादा जल्दी चले तो भी गई। तो कहा बता ने गुजराती में, झीणू डरू तो उड़ी उड़ी जाए, झाडू डरू तो कोई नहीं खा। अनाज को पीसते हैं, छोटा एक लोट को बनाते हैं एकदम बारीक पतला, तो हवा में उड़ जाता है, और जरा मोटा बनावे तो कोई खाता नहीं है, ऐसी रोटी को कौन खाएगा, तो ऐसा है, दोनों ओर से उसको मार पड़ती है। फिर भी समता रखी, कितनी बड़ी बात है सोचो तो सही, ऐसे महामुनि व जिन शासन के जवाहिर हो गए हैं। और फिर उपाश्रय में मुश्किल से उनको ले गए, वहां भी बार बार क्षमा याचना करते हैं, भगवान क्षमा करना, आपको बड़ी तकलीफ में दे रहा हूं, क्या करूं, अपने को कोस रहे हैं, मैं कैसा कम नसीब मुनिवर को साटा नहीं दे पाता हूं। कि मुनिवर कैसे है ऐसा नहीं सोचता है कि इतना मैं सेवा करता हूं फिर भी मेरी प्रशंसा करना कदर करना तो ठीक है, ऊपर से गालियां देते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, हम होते तो उठा के ले जा रहे हैं, और फिर कुछ करता है ऊपर से नीचे पटक देंगे। हाँ, ऐसा हो जाता है ना, इतना सेवा करते हैं फिर भी बहु सेवा करे और सास उसकी अगर कदर नहीं करे तो सास के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि नहीं। सभी जीव चाहते हैं अपने काम की कदर करने, कोई ना कोई करे तो अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा तारीफ करे तो अच्छा लगता है, अरे प्रशंसा न करो तो कम से कम उसको गालियां तो मत दो, उपाय कठोर शब्द तो मत सुना, कम से कम इतनी अपेक्षा तो रहती ही है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टी उल्टी बात थी, फिर भी ये महामुनि अपने को ही कोसते हैं कि मैं कैसा कम नसीब मुनिवर को साता नहीं दे पा रहा हूं। और ऐसे आत्मगरहा दुष्कृत, अपने पापों का पश्चाताप, इतना दुष्कृत गरहा जोर से किया कि वो करते करते क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, घाती कर्मों का क्षय हो गया। अथवा और वो देवता अपना भले मिथ्या भी था, विभंग ज्ञान से भी कुछ जान सकता है, तो देखा उनके परिणाम अथवा उनके चेहरे की रेखा भी बदली नहीं, इतना उनको गालियां वगैरह देते हैं फिर भी जरा भी चेहरे पर गुस्से की रेखा तक भी नहीं आई, यहाँ ललाट के और अपना ही पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना बार बार कर रहे हैं। तो आखिर वो प्रकट हो गया देवता, वो केवल का नहीं हुआ मिशामी विक्रम, अभी केवल का नहीं हुआ उनको, लेकिन देवता प्रकट हो गया और सारा वो लीला समाप्त हो गई, विमा विमान मुनि दोनों सब अलग, और वो देवता प्रकट हुआ, उसने बड़ी क्षमा याचना की भाव से बार बार वंदना की मुनिवर को, उनकी प्रशंसा अनुमोदना की कि जैसे इंद्र ने आपकी तारीफ की आप तो उससे भी बढ़कर हैं, इंद्र ने आपकी अनुमोदना की थी वो सुन करके मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आपको इतनी बड़ी तकलीफ मैंने दी, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा करें। जी बार बार वो क्षमा याचना करके अपने स्थान पे जाता है और
लंबी आयु थी, हजारों साल की आयु थी, वो पूर्ण करने के बाद वो महामुनिवर अंत समय जब आया ना, अंत समय अनशन किया था और मेरे ख्याल से कोई चक्रवर्ती उनको वंदन करने आए थे परिवार के साथ, तो चक्रवर्ती की पट्ट रानी को देख करके या उनके शायद जो लटका स्पर्श हुआ बाल का ऐसा कुछ है, तो उन्होंने क्या नियाणा कर लिया। देखो मोह राजा कितना खतरनाक है। ऐसे महामुनिवर, ऐसे तपस्वी सेवा भावी, उनको भी कहीं चुप करवा, अंतिम समय में अनशन लिया है तो उनको हुआ इस भाव में तो सारे सभी स्त्रियों ने मेरा तिरस्कार किया है, और इस तप के प्रभाव से अगले जन्म में मैं स्त्रियों का प्रिय बनूं, ऐसा अभिग्रहणियाना कर लिया इसको। जय वीराय प्रार्थना सूत्र में आता है ना, वारिक जय जय वी नियाण बंधनम वीराय तुम समय, भगवान आपके शास्त्र में नियाणा बांधने का निषेध किया है, लेकिन मैं इतना नियाम माने धर्म के फल के स्वरूप में किसी भी सांसारिक इस लोक के अथवा परलोक के सुखों की अपेक्षा करना वो नियाणा है। तो लेकिन इसमें कहा कि भगवान मैं फिर भी इतना तो जरूर मांगूंगा, जब तक मेरा मोक्ष न हो तब तक भवे भवे तहवी मम हुज्ज सेवा, भवे भवे तुम चलना, भगवान आपके चरणों की सेवा मुझे बहु बहु मिले, इतना मैं जरूर मांगूंगा। मोक्ष जब मिलने वाला हो मिले, लेकिन जब तक मोक्ष न हो तब तक प्रत्येक भव में भगवान आपका शासन मिले, आपका चारित्र मिले, आपके चरणों की सेवा मिले, ऐसी प्रार्थना करने को गणगर भगवंतारियों ने हमें सिखाया है महापुरुषों ने। तो यहां पर आयुष्य पूर्ण करने के बाद देवलोक में देव हुए नंदीशयन महामुनि, उसके बाद मनुष्य जो हुए तो क्या नाम पड़ा उनका, वसुदेव। वसुदेव कौन, श्री कृष्ण वासुदेव के पिता वसुदेव बने वो, और उस जन्म में हजारों राजकन्याओं के साथ उनका प्राणी ग्रहण हुआ, वो नियाणा किया था ना अगले जन्म में मैं स्त्रियों का प्रिय बन, तो जहां जहां जाते थे कन्याएं उनको पसंद करती थी, या कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग होते थे कि उनकी शादी होती जाती थी, ऐसे हजारों कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई किसकी, वसुदेव के। तो हमको तो इसमें से इतना लेना है, नियाणा कभी बांधना नहीं है, और सेवा गुण जितना हो सके उतना अपने जीवन में आत्मसात करना है, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं करनी है। तो मुनिवर ने इतनी कड़ी परीक्षा ली, फिर भी मुनिवर के प्रति दुर्भाव या द्वेष नहीं किया, अपने ही कर्मों को कोशा, मैं कितना कम नसीब कि मैं इनको साता नहीं दे पा रहा हूं। तो समझो कि बहू कितना भी अच्छा सेवा करती हो, काम करती हो, फिर भी अगर सासू जी कदर नहीं कर रहे हैं, तो बहू को ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैं कितनी कम नसीब कि मेरे सास ससुर को मैं साता नहीं दे पा रही हूं, उनके प्रति दुर्भाव मत करो, अपना ही सोचो अपने कर्म को। हाँ, उल्टा सोचेंगे दुर्भाव करेंगे तो अपना वापिस दुष्कर्म रिचार्ज हो जाएंगे, नए कर्म बंधन हो जाएंगे। ठीक है, तो सास बहू का उदाहरण दिया, इसलिए कोई भी आपके परिचय में आया हुआ कोई भी जीव अगर किसी प्रकार से लगता है कि हमको परेशान कर रहा है, तो हमने किसी जन्म में उनको परेशान किया होगा, उसी का यह फल आया है। हमने जो बोया था, हा? आम बोएंगे तो आम मिलेंगे, कांटे बोएंगे बबूल के तो कांटे मिलेंगे, तो हमने ही किसी भाव में वो कांटे बोए हैं, अभी आए हैं, अभी क्षमता से अगर पसार हो जाएंगे तो नए कर्म रिचार्ज नहीं होंगे, और फिर अगर गुस्सा करेंगे बदले की भावना रखेंगे तो नए दुष्कर्म रिचार्ज होते जाएंगे, और ये विश्वचक्र कितने भवों तक चलता रहेगा। बरोबर है, तो ये हमें प्रेरणा ये महामुनि व नंदीशयन के जीवन में से लेनी है। तो ये आध्यात्मिक त्रिफला, हर रोज तीन सब्जेक्ट करीब लिए जाते हैं, इसका पहला विभाग पूरा हुआ ए, फिर बी, फिर सी, और बी विभाग में क्या लेते हैं हम रोज, अर्वाचीन प्रेरणादायक दृष्टांत, ये प्राचीन हुए महापुरुष, अभी वर्तमान में विद्यमान हो अथवा एकदम नजदीक के भूतकाल में हुए हो, 10-20-25 साल के पहले ही केवल, ऐसे अनेक प्रेरणादायक दृष्टांत हम ले रहे हैं। इसमें आज हमें इनका दृष्टांत में दो दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन समय पूरा हो जाता है तो नहीं ले पाए। हाँ, विजय सेठ, अर्वाचीन विजय सेठ, विजय सेठ समझ लो आपने, वो कच्छ भद्रेश्वर के विजय सेठ, विजय सेठ कहाँ के थे, कच्छ के भद्रेश्वर के रहने वाले थे। हाँ,
एक का शुक्ल पक्ष में, दूसरे का कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी शादी से पहले ही, फिर भवितव्यता से दोनों की शादी हुई, दोनों को पता बाद में चला, तो दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया पति पत्नी होते हुए भी। ऐसा भूतकाल का दृष्टांत, लेकिन वर्तमान काल में ऐसे विषम युग में, ऐसा टीवी इंटरनेट सब मोबाइल का युग चल रहा है, ऐसे विषम युग में भी एक ऐसी घटना अद्भुत अनुमोदनीय बनी हुई है। ऐसी और भी घटनाएं होंगी थोड़ी थोड़ी, तो आज से करीब करीब समझ लो, ये करीब मेरे ख्याल से 30-35 साल की समझ लो बात होगी करीब, लेकिन अभी वो विद्यमान है। कच्छो मुंद्रा गांव के एक युवान, अरे वो कच्छ में रहते नहीं थे, उस जमाने में बिहार में कहीं रहते थे, वहां कुछ काम करते थे, तो उनका नाम था जतीन भाई। जतीन भाई एक बार विवाह करते करते भुवन भानु सूर्य आचार्य भगवान अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे, उनके वहां भिक्षा लेने गोची लेने के लिए आए होंगे, हमारे सबको छोड़ने के लिए साथ में गए हैं, ये श्रावक का आचार है, ठीक है, व्याख्यान सिर्फ पहले भी हमारे सबके पास आना चाहिए और साथ में चल के आना चाहिए, स्थापनाचार्य आसनों के लेकर के, और वापस छोड़ने के लिए भी जाना चाहिए, ये सुश्रावकों का आचार होता है। तो हमारे साहब साथ में गए हैं, रास्ते में महाराज साहब ने कुछ प्रेरणा की होगी शिक्षा के लिए, थोड़ी सी प्रेरणा की होगी, वो संस्कार दिमाग में बैठ गए हैं, जो भी थोड़े दिन महाराज वहां रुके होंगे महाराज साहब जाता रहा होगा, तो उनकी भावना बन गई है कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन माँ बाप उस जमान जल्दी इजाजत नहीं दे पा रहे थे, फिर तो महाराज साहब का विहार हो गया होगा। फिर आखिर कुछ समय बाद वहां से शिफ्ट होकर के वो बेंगलोर में रहते थे, बेंगलोर बेंगलुरु बोलते हैं आज, वो सफाई शूट कंपनी कुछ है, सफारी सफारी शूट, उसमें वो सर्विस कर रहे थे जतीन भाई, और पढ़ाई भी व्यावहारिक अच्छी, ग्रेजुएट थे, नौकार मंत्र के ऊपर उनकी बहुत श्रद्धा थी, और जब वो जवान बराबर हो गए थे तो उनकी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उनके हृदय में तो भावना होती है कि मेरा बहू घर में आ जाए, सारा ये जिम्मेवारी घर की संभाल ले तो मैं थोड़ा आराम कर सकूं, इसीलिए वो जतीन को प्रेशर करते हैं कि जल्दी तुम शादी के लिए तैयारी करो। तो जतीन कोई ना कोई बहाना निकाल करके टालता रहता था। हाँ, इस बीच में क्या हुआ, उन्होंने महाराज साहब के पास से 5 साल के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, शादी तो हुई नहीं थी, पानी से पहले पाल बांधी जाती है, क्या कहावत है ना, पानी पहला पार बांधो, तो शादी की दीक्षा की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो आखिर उन्होंने 5 साल ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी शादी से पहले ही। उसमें फिर जब माँ बाप आग्रह करते हैं शादी के लिए तो कोई ना कोई बहाना निकाल करके टालते रहते, या कोई कन्या दिखाते तो कोई ना कोई उसमें मुझे कन्या पसंद नहीं है कुछ न कुछ ऐसा बोल करके टाल रहते थे। करीब करीब 2-2.5 साल बीतने आए ये प्रतिज्ञा को, फिर एक कन्या, उनके कोई प्रारब्ध ऐसा होगा, भारतीबेन नाम की एक कन्या, मेरे ख्याल से गुजराती कन्या, सीहोर के रहने वाली, अलीताना के पास सीहोर है ना, वहां की एक कन्या जिसका नाम था भारतीबेन, वो भी बेंगलोर में उस वक्त जमाने में रहते होंगे, और वो भी धार्मिक वृत्ति वाली थी, वो संघ का ज्ञान भंडार, ये जतीन भाई भी संघ का ज्ञान भंडार संभालने का काम करते थे जैसे अपने सुरेंद्र भाई करते हैं वैसे, और भारतीबेन को भी कुछ किताब पढ़ने का रुचि होगा तो वो किताब लेने जाते होंगे, ऐसे करते करते थोड़ा परिचय हुआ। तो किसी ने जाकर के जतीन भाई के माँ बाप के कान में फूंक लगाई कि लगता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा लगाव आपस में है, तो आपको बेटे को कहो इनके साथ शादी कर ले तो शायद आपकी बात वो मान लेगा। और आखिर माँ बाप ने जरा आग्रह किया तो भवितव्यता बस वो मौन रहे, थोड़ी सी मनाई भी की होगी लेकिन जरा ज्यादा आग्रह किया तो फिर वो चुप रहे। तो माँ बाप ने तो फटाफट, जैसे वो नेमिनाथ भगवान चुप रहे हा? तो फिर फटाफट शादी कर लाने करवा ली ना, उसी प्रकार से वो चुप रहे होंगे, तो चुप को हाँ समझ करके फटाफट उन्होंने मंगनी पहले तो हो दिया ना, क्या होते हैं एंगेजमेंट पहले वो करवा दिए। बहुत बार मना ना ना करता रहा, कितनी बार ना कहूं माँ बाप को, तो मुश्किल से चुप रहे और मंगनी तो हो गई।
लेकिन मंगनी के साथ ही उन्होंने भारती बहन को बता दिया था उन्होंने प्राइवेट में कि देख मेरी भावना दीक्षा की है, माँ बाप कोर्स कर रहे हैं इसलिए मैं अभी ज्यादा निषेध नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तू एक बात समझ लो कि मैं कभी भी आगे चल करके दीक्षा लूं तो मुझे मनाई मत करना। अभी दो दिन पहले कौन सा दृष्टांत आया था, वज्र स्वामी का, कौन थे उनके पिता, धनगिरी जी, हाँ वो भी ऐसा ही बोल रहे थे। वो फिर किससे शादी हुई, सुनंदा के साथ, ऐसी कुछ बात इसमें हुई। तो भारतीय बैंक का कुछ ऐसा ऋणानुबंध होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे तो अभी रिक्शा लेने की भावना नहीं है, लेकिन आपको मैं रोकूंगी नहीं, अगर आपको आगे चल करके रिक्शा की भावना होगी तो मैं अंतराय रूप नहीं बनूंगी, इतना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर वो मंगनी भी हुई, शादी होने को अभी कुछ टाइम था और करीब 2 महीना पसार हुआ मंगनी के पीरियड में, शादी होना बाकी थी। इसके दौरान एक बार ये जतिन भाई ने भारती बहन को कहा कि देख मैंने मेरी तो प्रतिज्ञा 5 साल की, अभी 2.5 साल हुए हैं, अभी 2.5 साल बाकी हैं, मान लो कि वो भी पूरे हो जाए, 2.5 साल पूरे, 5 साल पूरे हो जाए, उसके बाद अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंशन करूं प्रतिज्ञा आगे बढ़ाऊं तो तेरी इजाजत होगी ना। इतना सुनते ही वो भारती बहन, सोच लो आप लोग भारती बहन की जगह होते तो क्या जवाब देते। भारती बहन ने कहा अगर आपकी ऐसी ही इतनी प्रबल ऐसी भावना है तो फिर ये रिटेल व्यापार क्यों करते, होलसेल में ही कर लो, 5 साल 2.5 साल ऐसा क्यों, हम ऐसा कह लिए। उनको तो चाहिए इतना था, जतिन भाई को तो कहावत है ना, भाव तो तूने वैद्य बतायो, अमुक दवाई अनुपान अच्छा लगता था और वैद्य ने भी कहा ये दवाई मद के साथ खाना और मद भाता था, ऐसा हो गया। हाँ फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे की सम्मति से गुरु महाराज पास के पास गए और उनके पास से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। माँ बाप को बता सकते हैं, बताएंगे तो इजाजत मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसीलिए बिना बताए ही दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवान के पास से स्वीकार कर लिया। अब आगे चल करके शादी हुई, बताना तो है नहीं, माँ बाप को बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोच लो अभी शादी से पहले ही प्रतिज्ञा तो उनकी चालू ही थी, 5 साल चली हुई थी और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया दोनों ने, शादी भी हो गई, लग्न हो गए। अगर हो गए तो साथ में रहना पड़ता है, एक ही घर में एक ही कमरे में भी रहना पड़ता है। और उनकी माँ बीमार थी थोड़ी, कौन इनकी, जतिन भाई की, तो करीब करीब 10 साल बीत गए, तब तक उन्होंने बताया भी नहीं। अभी शादी के 2-3-4 साल होते हैं, बच्चा नहीं होता है तो फिर तो बातें होती रहती है, क्या बात है क्या बात है, फिर शायद बताया नहीं, बताया मुझे पर याद नहीं है, शायद बताया होगा तो जो भी हो सो, मेरे ख्याल से नहीं बताया होगा, नहीं तो फिर वो पोस्ट कर दे। 10 साल के बाद आयु समाप्त हुई माता की, क्रमशः माता की फिर पिता की, उसके बाद उन दोनों ने बेंगलोर में ही भुवन भानु सूर्य आचार्य भगवंत के कर कमलों से टोटल 5 रिक्शाएं हुई थी, उसमें अहमदाबाद की भी 2-3 कोई थे, 5 रिक्शाएं एक साथ हुई थी, उनमें इन दोनों ने भी सजोड़े एक साथ दोनों ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली है। जतिन भाई का नाम पड़ा है मुनिराज श्री जय दर्शन विजय जी और भारती बहन का नाम पड़ा है साध्वी श्री भव्य गुणा श्री जी। भव्य गुणा श्री जी के गुरु को गुरुणी कौन है, साध्वी श्री वसंत प्रभा श्री जी। वर्तमान काल में आपने नाम सुना होगा वैराग्य देक्षणा दक्ष एक आचार्य भगवंत कहे जाते हैं, उनकी देक्षणा वैराग्य प्रधान होती है, जय गोसूरी गुण बसु समुदाय नहीं है, नाम नहीं सुना है, वैराग्य देक्षणा दक्ष, शाबाश देखो उनको ख्याल है, हेम विजय हेम चंद्र सूर्य आचार्य भगवंत। हाँ उनके, हाँ उनकी जो धर्मपत्नी होने वाली थी उनकी भी सगाई हो चुकी थी, मंगनी शादी होनी बाकी थी और आचार्य भगवंत का उपदेश सुना, वैराग्य लग गया, दीक्षा ले। वर्तमान काल के नजदीक के भूतकाल के ये सब किस्से हैं देखो। हाँ ऐसे खुद ग्रेजुएट भी थे, तो नाम उनका भी है वसंत प्रभासी जी, उनके शिष्या बने ये भारती बहन भव्य गुणासी जी के रूप में। जय दर्शन विजय जी जय गोसूरी समुदाय में उनके एक बड़े तपस्वी सन्यासी थे, जय सोम विजय जी।
सौ से अधिक ओलियां की थी वर्धमान आमिर तक की, जिन्होंने उनके शिष्य बने ये जय दर्शन विजय जी महाराज। मुंबई पहले कुछ साल पहले हम 2-3 बार मिले हैं जय दर्शन विजय जी महाराज से। हमारी जो किताब है बहुरत्ना सुंदरा, उसकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिखी है। विद्वान भी बड़े अच्छे हैं, तपस्वी भी बड़े हैं, अच्छे व्याख्यानकार भी हैं। तो अभी विद्यमान है, जीवंत है दोनों, जय दर्शन विजय जी महाराज जतीन भाई में से जो बने। और साधवी भव्य गुणासी जी पहले कौन थे, भारती बहन सीहोर के, सब नाम तो कम से कम ऐसे अच्छे अच्छे याद रखो, बरोबर कल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको आयत भी दे देते हैं। तो ये वर्तमान काल के ऐसे इसको कहेंगे ना, विदेश सेठानी जैसे ही शादी करके ब्रह्मचर्य का 10-10 साल तक साथ में रहना पर पालन करना कितना कठिन होगा सोचो इस काल में, फिर भी भाई बहन की तरह रहे। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। ऐसी आत्माओं की अनुमोदना करने से हमें भी ब्रह्मचर्य पालन की हमारी शक्ति बढ़ती है। अगले जन्म में उन्होंने भी ब्रह्मचर्य की आराधना की होगी, जब वगैरह किए होंगे, अनुमोदना की होगी, तब इस जन्म में ऐसी स्थिति में भी अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। उसके लिए मैंने आपको एक मंत्र बताया था, कौन सा मंत्र, ब्रह्मचर्य का मंत्र, ओम नमो घोर बंबयारिणाम ज्रौं ज्रौं स्वाहा, ओम नमो घोर बंबयारिणाम ज्रौं ज्रौं स्वाहा, ओम नमो घोर बंबयारिणाम ज्रौं ज्रौं स्वाहा। तो ये दूसरा विभाग पूरा हुआ अपना अर्वाचीन प्रेरणादायक दृष्टांत का। तीसरा विभाग कल का प्रश्नोत्तरी का जो हमारा क्या चल रहा था, आत्मा के संबंधी प्रश्नोत्तरी चल रही है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ शरीर में है कहाँ नहीं है, फिर आत्मा का में क्या क्या नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श जो पुद्गल के गुणधर्म आत्मा में नहीं है, तो आत्मा में है क्या, पॉजिटिव अनंत केवल ज्ञान दर्शन आनंद और अनंत शक्ति अनंत चतुष्टयी आदि अनंत गुण आत्मा में है। और साथ में कल हमने अंत में क्या मुद्दा लिया था, आत्मा अविनाशी है, आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया नहीं है, कोई ब्रह्मा कोई भगवान कोई विष्णु कोई ईश्वर किसी ने पैदा नहीं किया, आत्मा अनादिकाल से है, जैसे खदान में सोना और मिट्टी मिले हुए होते हैं, कब से वो मिले कोई उस आदि नहीं है अनादि से, इसी प्रकार से आत्मा और कर्म वो भी अनादिकाल से सोने मिट्टी की तरह मिले हुए हैं, कि कोई शुरुआत केवल ज्ञान में भी देखी नहीं जा रही, कभी है ही नहीं उसकी आदि, अनंत पुद्गल परावर समय बीत गया है। हाँ, लेकिन अनादिकाल से हम कहाँ थे, कहाँ थे, निगोद में भी, निगोद के दो प्रकार, उसमें से कौन सी निगोद में थे, अव्यवहार राशि सूक्ष्म निगोद में अनादिकाल से थे, और उसमें अनंत अनंत काल चक्र क्या पुद्गल परावर्त हमारे बीत गए। फिर कोई आत्मा मोक्ष में गया, सिद्ध परमात्मा बना, तब हमारा नंबर भवितव्यता से लग गया और हम सूक्ष्म में से बादर निगोद में आए 32 प्रकार के अनंत काल वगैरह में, फिर धीरे 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 उसमें भी कितने असंख्य की अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रसार हुआ, फिर धीरे धीरे पृथ्वी काल में उसमें भी असंख्य समय प्रसार किया, उसमें फिर अपकाय केव काय वायु काय वनस्पति काय एक एक में भी असंख्य असंख्य वर्षों तक असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणियों तक रहे, बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौर इंद्रिय, वो भी ऐसा नहीं है क्रम से आगे ही बढ़ते गए, अप डाउन ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरे अपर चढ़े, वो कौन सी गेम आती है जिसमें ऊपर चढ़ने का फिर नीचे आने का फिर ऊपर चढ़ा, हाँ सांप और सीढ़ी, हाँ सीढ़ी आती है तो ऊपर चढ़ते हैं और सांप आता है तो उसकी पूंछ तक नीचे उतरना पड़ता है, कितने सांप कितनी सीढ़ियां पार करते 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 मुश्किल से लास्ट में कौन से करीब बड़ा सांप होता है 99 होता है, हाँ 98 तक पहुंच गए हैं, एक जंप लगाना था 100 में पहुंचने के लिए, लेकिन कम नसीब से अगर एक का अंक निकला वो पासे में 99 में गए तो नीचे कहाँ तक तो उसकी पूछ कहाँ होती है, एकदम पहली लाइन, एकदम पहली लाइन में नीचे होती आती है। हाँ, इतना ऐसे हम भी कई बार समझ लो कि 11वें गुरु स्थान तक पहुंच गए नीचे फिर नीचे पटके मिथ्यात्व में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए बड़ा जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक सावधान ही रहना पड़ता है, जरा सा प्रमाद किया कि गए 14 पूर्व धर भी निगोद में चले गए, ऐसे दृष्टांत हैं। चलो समय तो ऐसे हो रहा है फिर भी एक दृष्टांत कर दूंगा आपको, जरा 5-10 मिनट ज्यादा ले लो।
आज देखो हमारे बीच हमारे छोटे महाराज है ना ज्ञान रत्न सागर जी महाराज, उनके संसारी माता मातोश्री बैठे हैं कोकिला बहन, और पिताजी बैठे हैं ये परेश भाई, और ये मामा जी उनके महाराज के सगे मामा ये जो है लक्ष्य अपना लहरीचंद भाई, ये तीनों आए हैं। वो मम्मी पापा उनके तो दो दिन में कल रात को चले जाएंगे, ये यहाँ पर रुकेंगे। इनकी बड़ी अच्छी भावना है आगे बढ़ने की। मामी जी थोड़ा ब्रेक लगा रही है, लेकिन इनकी प्रबल भावना है तो अभी यहाँ रहेंगे, सत्संग करेंगे और आगे जो हो। आप सभी इनके लिए अच्छी भावना बहाना, भगवान को प्रार्थना करना। तो हम तो नहीं निकल सकते, भगवान से नहीं निकल पाए, अभी हमारे संग में जो आए ऐसे पुण्यात्मा है उसके उनके जो अंतराय कर्म हो जल्दी दूर हो जाए। हाँ, और यही धुलिया में या खानदेश में कहीं, हाँ ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी, उनकी भी अच्छी भावना है प्रियकांत भाई की, जो हो सो। चलो आगे बढ़े, तो आगे आज क्या देखेंगे हम। आत्मा नित्य है, उसके लिए कल हमने क्या दिया, दृष्टांत लिया था जाति स्मरण ज्ञान का। चाणसमा के सेवंती भाई को अपने दो पूर्व भजन, ऐसे तो और कितने सारे दृष्टांत हैं। हम एक बार गए थे राजस्थान में जयपुर, हमने दो चतुर्मास राजस्थान में टोटल चार किए, दो किए बाड़मेर, दो किए मेवाड़ में इधर उदयपुर में। तो उदयपुर का चतुर्मास पूर्ण करने के बाद शेष काल में हम विचरते जयपुर गए थे। हमने उस वक्त हम बहुरत्ना सुंदरा किताब का संकलन कर रहे थे, बहुरत्ना सुंदरा किताब का संकलन कर रहे थे। तो हम जयपुर में हमने सुना कि वहां पर एक श्रावक है, इनको अपना पूर्व जन्म याद है, अगले जन्म में वो पंछी थे। पंछी में भी कौन थे, पैरट, पैरट माने तोता, पोपट तोता। हाँ, तो हमको हुआ कि जरा इनसे भी मिले, उनका पूरी डिटेल बराबर समझे उनके पास से, और फिर किताब में छपवाए। तो जयपुर पहुंचे थे। वहां दूसरा भी एक कारण था, वहां राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अभी भी है। वहां यूनिवर्सिटी में एक विभाग था पैरासाइकोलॉजी, यानी कि परा मनोविज्ञान माने बियॉन्ड द माइंड की दुनिया, मन से भी पहले पार की अनुभव, जाति को ज्ञान आदि समझ लो। तो उस जो उनकी शाखा थी विज्ञान की, उसके एक अध्यक्ष थे प्रोफेसर बैनर्जी, प्रोफेसर बैनर्जी नाम ख्याल रखो, बैनर्जी नाम के वो थे। उन्होंने पूरे देश विदेश में से, पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में, जहां कहीं भी उनको सुनने में आए कि किसी को पूर्व जन्म की श्रुति हुई है, तो वो खुद वहां पहुंच जाते थे और पूरा छानबीन करते थे, खोजबीन करते थे डिटेल से, उनको क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे। वो कहता है अगले जन्म में वहां पर था, तो फिर वहां जाते थे दूसरे गांव में, जैसे वो कहता कि विरम गांव था तो वो विरम गांव भी जाते और वहां सब खोजबीन करते कि क्या ये बात सही है। ऐसे करते करते पूरे विश्व में से इन्होंने 500 घटनाएं इकट्ठी साथ में की थी, 500 किस्से ऐसे पूर्व जन्म के, तो उनकी फाइलें बनाई थी। ये भी हमने सुना था, हमने चंद्रशेखर जी महाराज सब किताब में पढ़ा विज्ञान और धर्म। तो हमने सोचा जब प्रत्यक्ष वहां जाकर के अगर मिल सके तो फाइल हम उनकी जेरॉक्स कॉपी प्राप्त कर लें और एक साथ वो छपाएं 500 दृष्टांत पूर्व जन्म की स्मृति के। इसमें कई मुसलमान बच्चे जो लोग परलोक के इतना मानते नहीं है, बस कबर मर गया कबर में डाक दिया, फिर जब कयामत का समय आएगा तब वो अल्लाह न्याय करेगा, किसी को जन्म में किसी को जन्नत में स्वर्ग नरक भेज देगा भाई। लेकिन ये 84 लाख योनि वगैरह को वो लोग मानते नहीं है, और ऐसा ही है बाइबल में क्रिश्चियन के लोगों को, वहां पर भी पुनर्जन्म वगैरह की बातें ऐसे नहीं आती हैं। लेकिन वो मुस्लिम बच्चों को और क्रिश्चियन बच्चों को भी कई बार पूर्व जन्म की स्मृति होती है, ऐसी ऐसी घटनाएं भी उसमें शामिल थी। तो हमको हुआ कि ऐसी ये सब घटनाएं एक साथ छपाई जाए तो जो तटस्थ रूप से जिनको समझना हो वो समझ सकें, और नास्तिक में से भी कई आस्तिक बन जाए जो परलोक को नहीं मानते हैं, आ लोग मीठा दो परलोक कौन है मीठा बोलते हैं, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तो हम गए वहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछताछ की, तो पता चला आपकी बात तो सही है, यहाँ पर ये शाखा भी थी और प्रोफेसर बैनर्जी भी थे, उन्होंने सब इकट्ठे किए थे, वो भी बात सही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो शाखा भी यहाँ बंद हो गई है और बैनर्जी भी डॉक्टर भी अभी वहां पर प्रोफेसर है नहीं, और वो फाइलें भी कहा हमको कुछ पता नहीं है।
इसीलिए वो अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो जरूर समझ जानने मिला कि बात वो सही थी। प्रोफेसर थे एन बैनर्जी, उन्होंने ऐसे किसे इकट्ठे भी किए थे। और आजकल तो आप लोग चाहें तो यूट्यूब के ऊपर भी खोज सकते हैं ऐसी कितनी घटनाएं पूर्व जन्म की स्मृति की। हाँ, वो भी बदपा भी आने वाली आगे। तो ये पूर्व जन्म की वो बात रही वहीं पर। फिर जो दूसरी बात थी कि वहां पर एक श्रावक थे जिनका नाम था सिद्धराज डड्डा। क्या नाम था? सिद्धराज डड्डा। हाँ सुनाई हमने। हाँ हाँ बस बस, तब वहां सुनाई थी ना जब वहां व्याख्यान चल रहा था जैन भुवन में। लेकिन आपको याद है, बाकी कितनों को याद है देखो। धन्यवाद। फिर भी कभी कोई पुनरावर्तन थोड़ा संक्षेप में कर देंगे। कुछ नए भी आए हैं श्रोता और बाकी जुने में से भी भूल गए हैं तो जरा ताजा हो जाए। तो अगले सिद्धराज जी डड्डा बुजुर्ग थे, ऐसी 85 की आसपास उम्र थी उनकी। हम मिले तब उनको और हमने पूछा, हमने सुना है कि भाई आपको पूर्व जन्म की स्मृति है, पूर्व जन्म में आप कोई तोता नाम पंछी थे, तोता। उन्होंने कहा बात सही है, तो मैं जरा डिटेल्स जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो सर्वोदय जो है ना जेपी और विनोबा भावे का द्वारा स्थापित, तो उनके नेता माने समाज सेवा करने वाले, उन्होंने बहुत समाज सेवा के कार्य किए थे, तो उनको अभिनंदन ग्रंथ अनुमोदना के रूप में छपाया गया था। उसमें वो मुझे दिया उन्होंने, तो बताया कि देखो इसमें से मिटेल है। तो हमने विस्तार से वो दृष्टांत था, उसमें हम फिर भी 15 पेज जितना मैटर हमने सब उसमें से ले लिया और फिर किताब में छपवाया है। बहु रत्ना सुंदरा किताब, उसकी जब हिंदी आवृत्ति निकली उसमें वो सिद्धराज जी के तस्वीर के साथ वो 15 पेज में किताब दृष्टांत विस्तार से छपवाया है। तो अगले जन्म में वो तोता थे और क्या करते थे, आदिनाथ भगवान से शत्रुंजय महातीर्थ पर वो उसकी पूजा करते थे, चौंच में फूल लाकर के भगवान के चरणों में रखते थे और अपने जो हाथ पांव समझो उससे तिलक भी ऐसे करते थे। फिर ये बने सिद्धराज डड्डा। तो ये पूर्व जन्म के ऐसे सब जो किस्से हैं वो भी सिद्ध करते हैं कि आत्मा अमर है। अगर शरीर के साथ सब समाप्त हो जाता है तो फिर अगला जन्म अपना कौन स्मरण करता है? शरीर तो मिट्टी में राख में मिल गया, फिर किसको याद आता है कि अगले जन्म में ये था? हाँ, वही शरीर के मिटने के साथ सब कुछ मिट नहीं जाता है। हाँ, आत्मा अमर है, अजर अमर और अविनाशी। और वो आत्मा कौन? हम खुद हैं, हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा ऐसा बोलना भी ठीक नहीं, हम आत्मा, हमारी माने हम जुदा और आत्मा जुदी नहीं, हम खुद आत्मा ही हैं। हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर को जो नाम मिला है तो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है, बाकी तो हम अनामी अरूपी, लेकिन अनंत केवल ज्ञानादि गुणों के मालिक ऐसे हम शुद्ध परमात्मा जैसे शुद्ध आत्मा हैं। तो ये आत्मा की नित्यता की एक जाति स्मृति पुरावा है, प्रमाण है। शास्त्रों में तो कितने उदाहरण आते ही रहते हैं पूर्व जन्म में कौन कौन थे सब। क्योंकि आज भी ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से मिलते हैं जाति स्मरण ज्ञान के, बरोबर है। और दूसरा जो प्रमाण हिप्नोटिज्म का भी रविचंद भाई ने बताया है, उसके विषय में जरा विवेचन हम, उसका दृष्टांत भी हम कल के व्याख्यान में लेंगे। आज बस इतना ही। जिना गर्द कुछ भी बोला गया हो हार्दिक मिच्छामि। देखो आज रमेश भाई भी